even the NDA felt that in the larger interest of the national economy, it is in our overall interest to continue these programs. So for MGNREGA, last year and this year, I have provided already an amount of 55,000 in the budget itself. And let me say this, I am not making a critical comment, but it's a factual analysis, that even when 40,000 was the maximum that the UPA would sanction, it was never able to spend that money. 40,000 crores. Kabhi 28,000 kharch hota tha, kabhi 32 hota tha. Hum jitna budget mein sanction karte hain, pichle saal 48,000 kiya, to 55,000 ho gaya. Is saal 55,000 kiya. Issue. The fact is, which we cannot deny, Arunji, that last year the increase was forced by circumstances, because after demonetization, large number of people lost their jobs, daily wages, went back to the villages, and MGNREGA saved them. And this time also some business. Arunji, I will give you a data. ये जिस तथ्य में आप जिस भ्रम में जीते हैं ना और जिस भ्रम में ये भाषण भी किए गए डेटा उसको फैक्चुअल डेटा उसको समर्थन नहीं देता. इस साल भी हमने 55,000 करोड़ किया है. राइट टू फूड यानी फूड सब्सिडी इस साल 1,70,000 करोड़ है. प्लीज. और इसलिए अगर हम किसी भी सरकार में ये कार्यक्रम शुरू हुए हो, ग्रामीण सड़कों पे जो खर्च होता था उससे कई गुना ज्यादा, 27,000 करोड़ सालाना किसी भी लोकसभा सांसद से पूछ लीजिए उसके क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है. गांव को सड़क से जोड़ देना, गांव के भीतर घर मिल जाना, गांव के अंदर शौचालय बन जाना, स्वच्छ भारत और शौचालय का जो निर्माण हुआ है पिछले 3-4 वर्षों में जिस गति के ऊपर देश में बढ़ा है, वो अपने आप में एक नया इतिहास लिख रहा है. केवल हर गांव तक बिजली नहीं, वो तो आपके समय भी कोशिश हो रही थी पहुंचाएं, लेकिन आज हर गांव में हर घर को स्पॉट किया जा रहा है कि उस घर तक पहुंच जाए. इंटरेस्ट सबवेंशन, आप आंकड़ों की तुलना कर लीजिए, उसकी संख्या लगभग दुगनी हुई है. क्रॉप इंश्योरेंस उसके साथ और जोड़ा गया है. तो इसलिए उस गरीबी का उन्मूलन करने के लिए पूरे बजट में कितनी आपको एंट्री मिल जाएंगी जो एक के बाद एक उस दिशा के अंदर आगे बढ़ने की प्रयास करती है. केवल इतना नहीं, एक आलोचना जो हम लोग करते थे आपकी सरकार के समय कि आपने राइट्स अप्रोच तो दे दी, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो बाकी सुधार करने चाहिए थे उनका क्या हुआ. तो अगर आप पूरा पिछले 2-3 साल का इतिहास देख लें, आधार ये मैं जानता हूं कि आपकी जब सरकार थी तो तब भी सरकार में डिवीजन था. देयर वाज अ डिवाइडेड ओपिनियन इन योर गवर्नमेंट. एक मंत्रालय चाहता था, एक विभाग पीएमओ चाहता था, शायद कोई लोग नहीं चाहते थे. और इसीलिए आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आप उसके पक्ष में हैं कि उसके खिलाफ हैं. आप लोगों ने कोशिश की लेकिन जीएसटी को आगे लाने में सफल नहीं हो पाए. हम लोग ले आए, आपका भी सहयोग रहा उसमें. मैं बैंकों के साथ जो हुआ उसकी अलग से चर्चा करूंगा. लेकिन सबसे विचित्र टिप्पणी जो की गई,
कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे में यह लिख दिया गया कि एम्प्लॉयमेंट के संबंध में, कृषि के संबंध में, रोजगार और कृषि के संबंध में और शिक्षा के संबंध में अभी देश में बहुत कुछ होना है. बिकॉज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज रियलिस्टिक इन राइटिंग दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्टेंस स्टिल टू कवर इन दीज एरियाज, द इंप्रेशन वॉज क्रिएटेड एज दो दीज आर प्रॉब्लम एरियाज क्रिएटेड इन द लास्ट फोर ईयर्स. The cumulative policy effect, the cumulative effect of resources, of historical backwardness, what is the impact of 55 years of Congress rule on all this? So, 55 साल आप सरकार में रहे, तो गरीबी तो 1971 में हट जानी चाहिए थी अगर आपके नारे मंजूर कर लिए जाते. तो इसलिए कहना क्योंकि उन्होंने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपने बजट में यह लिखा कि इन तीन क्षेत्रों में अभी काम और भी बहुत बाकी है. यह वास्तविकता है, हम हवा में नहीं जी रहे. और जब मैं कह रहा हूं कि हम हवा में नहीं जी रहे, आई वॉज वंडरिंग टू माई सेल्फ व्हेन दिस इलस्ट्रेशन इज गिवन दैट in the chief economic advisor you have a very good doctor but you are a terrible patient. Let me tell you, even if there is a bad case and you have a good doctor, he'll probably end up curing it. What did we do for those 10 years from 4 to 14 when you had a terrible doctor? And when you had a terrible doctor,